सरायपाली वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष तांडे और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरायपाली के उड़ीसा सीमा के पास ग्राम मुरमुरी के जंगलों में ईंट भट्टे के पास छुपाकर रखे गए 230 खैर प्रजाति के गोलों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में गाड़ियों में भरकर खैर प्रजाति की लकड़ियों को पैरे की आड़ में छुपाकर इकट्ठा किया जाता था और फिर कुछ दिनों बाद बड़ी गाड़ियों से दूसरे राज्यों को लकड़ी तस्कर द्वारा भेजा जाता था। वहीं परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष टांडे ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने उड़ीसा सीमा से लगे मुरमुरी के सुनसान क्षेत्र से 230 नग खैर प्रजाति के गोलों को बरामद किया है। वहीं मौके पर कोई वाहन या आरोपी नहीं मिला। हालांकि लकड़ी के गोलों को बरामद कर वन विभाग जांच में जुटा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वन विभाग के द्वारा मौके पर वाहन को बरामद नहीं किए जाने और आरोपी को बचाने के लग रहे आरोपों पर अधिकारी का कहना है कि लकड़ी से भरी कोई वाहन वहां नहीं थी और आसपास खड़ी वाहनों को शक के आधार पर बरामद नहीं किया जा सकता था। जो भी आरोप लग रहे हैं वे बेबुनियाद हैं और वन विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर रहा है। सरायपाली से संवाददाता संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। एक्चुअल में 9 तारीख की शाम को मुखबिर से सूचना मिलने पर मौके पे जो मुरमुरी के पास जो चौक है वहाँ से एक जंगल को फॉरेस्ट जाने का एक रास्ता है, वहाँ पर 230 नग पैरे में ढके हुए थे खैर। और जांच करने पर ये पाया गया कि पैरे में ढके हुए जो है खैर की लकड़ियों को कहीं ले जाने के फिराक में थे, उससे पहले जो है हमारी टीम पहुँच गई और उसे जो है जब्त करके चालान के थ्रू डिपो लाया गया है। उसका प्रारंभिक PORजो है जारी किया जा चुका है और क्योंकि अभी वो लावारिस रूप में पड़ा हुआ था तो अज्ञात के नाम से है, लेकिन अभी जांच जारी है। उसमें पता कर रहे हैं कि रेवेन्यू से आ रहा है या अपने फॉरेस्ट से जो है कटा हुआ है और अपराधी की भी तलाश की जा रही है।